इस गवर्नर पंचायत के कौशल जुनारपुर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आरा सदर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अनवर आलम साहब जी, उनके साथ आरा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री मदन यादव जी, हम लोगों के जिला के कार्यकारी अध्यक्ष के निवासी हमारे अभिभावक श्री बिरबल यादव जी, इस पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी बन चुके हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, गवर गांव के सम्मानित शिक्षक ओम प्रकाश जी, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। जो आज मार्केट को तोड़ने का काम हुआ अतिक्रमण के नाम पर, तमाम गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, आज जो है आप चले जाइए सगुना मोड़ से लेकर पटना के जो है गांधी मैदान तक, बापू आश्रम 600 करोड़ का बनता है, मीडियम बनता है 1000 करोड़ का, आपको जो है सरदार पटेल भवन बनता है 600 करोड़ का, जिस जगह खाने का लाला पड़ा हुआ है, किसान को जो है पानी नहीं, बीज नहीं, सही तरीके से बोरिंग की व्यवस्था नहीं, आप दूसरी तरफ एक पटना के बेली रोड को सिर्फ चमकाने के लिए 5-5 हजार करोड़ जो है रुपया खर्च करते, आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? विकास का पैमाना हम जानना चाहते, अपने लोगों से भी कहना चाहते, विकास का पैमाना है कि आपको आदरणीय लालू यादव ने जो बोलने और चलने की ताकत दिया था, जो साहस दिया था, वही विकास होता है कि आप अपने दिलेरी से अपनी कोई बात रखते थे। आज गरीब अपना बात रखने जाता है, पप्पू यादव जो है, अभी पप्पू यादव जी दिन रात जो है तोबा मचा रहे थे, अभी हाल में पप्पू यादव ने धरना जो देने का काम किया, धरना स्थल से भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? पुलिस के डंडे से भागना पड़ा, कहीं हो सकता था। और 5 लड़के को जो धरना देने गए, महिला जो है था दरोगा की बहाली में जो नाइंसाफी हुई, उन लोगों को जेल के सलाखों में बंद करता है और नेता फरार हो जाते। लेकिन आदरणीय हम लोगों का नेता तेजस्वी यादव जब मैदान में उतरता है दूध व्यापारियों के लिए, अतिक्रमण से जो मुक्त जो है, जो अतिक्रमण के नाम पर ढहा जा रहा था, 3 बजे भोर तक उस धरने पर बैठने का काम तेजस्वी यादव करता है, और वही कमिश्नर से वहां जो है अमेंडमेंट करके उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराने का काम करता है। ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार है, इसलिए हम तमाम अपने साथियों से कहना चाहते कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार सामाजिक न्याय का परिवार है, और तमाम आदरणीय नेता लालू यादव ने जिस तरह से चित्तौड़गढ़ जैसे पर सरोज यादव जैसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया, अनवर आलम को विधायक बनाने का काम किया, ना जाने जो है भगवतिया देवी जैसी महिला जो है ईंटा को तोड़ने वाली को जो है कहीं जो है एमपी बनाने का काम करते हैं, कहीं रविंद्र ताती को बनाने का काम करते, कहीं लाल दास राय का टिकट काट के राधाचरण सेठ को एमएलसी बनाने का काम करते, यही काम सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय जनता दल परिवार का है। इसलिए साथियों आज के दिन हम यही तमाम लोगों से अपील करना चाहते, निहोरा करना चाहते कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार अगर कमजोर होगा तो गरीबों की जो है लड़ाई कहीं ना कहीं जो है अधूरी हो जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार को मजबूत करने की जरूरत है। यही बात कहते हुए हम तमाम लोगों से अपील और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपील करना चाहते कि ज्यादा से ज्यादा हम तमाम कार्यकर्ता साथी सक्रिय होकर इसको सदस्यता अभियान को जोरदार ढंग से धारदार ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि संकट की घड़ी है। आज जिस तरह से जगदेव बाबू को गोलियों से छलनी किया गया, आदरणीय नेता जन जन के नेता लालू यादव को कहीं जो है ना कहीं सलाख के पीछे रखने का कारण है कि उनको भी एक हत्या करने की साजिश की गई है, इसलिए तमाम लोग एकत्रित होकर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की मुहिम में तेजी से एकजुटता के साथ खूटा खूटी के झगड़ा को हटाकर हम लोग सब लोग, अगर अनवर आलम होंगे, तेजस्वी यादव होगा, लालू यादव की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से आप घर पर सोए भी रहेंगे तो आपके हक और हुकूक को कोई मार नहीं सकता, यही राष्ट्रीय जनता दल परिवार है, इसलिए इस परिवार को आगे बढ़ाने की जरूरत है।